पशुपति नाथ हैं, देवादि देव हैं, महादेव हैं। जगत की उत्पत्ति का आधार है उन भगवान शिव की वेदोक्त स्तुति में कहा गया है, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शंकराय च। कल्याण के स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण के विस्तार और सुख के विस्तार को प्रदान करने वाले भगवान शिव नमः संभवाय मस्कराय, जिनसे परे कुछ भी नहीं है, सर्वत्र कल्याण और रस को प्रदान करने वाले हैं ये भगवान शिव। शक्ति के साथ संयुक्त हैं, उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। और आपने यदि शक्ति को प्रणाम नहीं किया है तो अपने अपने घर फोन लगा करके शक्ति को आज शिवरात्रि के अवसर पर प्रणाम जरूर कह देना, शक्ति के बिना आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ है तो पीछे मुड़ करके भी प्रणाम कर सकते हैं, पास बैठी है तो भी उसको प्रणाम कर सकते हैं। शक्ति को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं शक्ति ने शिव को पाने के लिए 3000 साल पहले तपस्या की थी और सूखकर के काटा हो गई थी, अपर्णा स्वरूप हो गई थी, जो केवल पत्तों पर पहले भोजन, फिर भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, फिर फल का त्याग, फिर पत्ते, फिर पत्तों का त्याग, और तब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। तो शक्ति को भी शिव को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति चाहिए वह शक्ति शिव से ही प्राप्त होती है, और शिव को तो निश्चित रूप से जो शक्ति का भाव है वह इतना प्रिय है कि वे सदैव और सदैव शक्ति को अपने साथ ही रखते हैं, अपने से विलग होने ही नहीं देना चाहते हैं। जैसे ही विलग होते हैं वे वितरागी होते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो एक बार पार्वती ने प्रश्न किया शिव से कि प्रभु आप कैसे प्रसन्न हो, क्या मैंने 3000 वर्ष तपस्या की उसी प्रकार सबको इतनी अधिक तपस्या करनी पड़ेगी? तो साधारण व्यक्ति तो, गृहस्थ व्यक्ति तो, सन्यासी व्यक्ति तो, कोई बालक तो इतनी अधिक तपस्या नहीं कर सकता, तो आप कैसे प्राप्त हैं? आप चतुर्वर्ग का स्वरूप हैं, धर्म और काम और मोक्ष का स्वरूप है, आप किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं, उसकी कोई ऐसी सहज विधि हो तो आप हमें अवश्य बताएं। तो भगवान शिव कहते हैं, फाल्गुने कृष्ण पक्षे या तिथि श्राद्ध चतुर्दशी कश्चा या तामसिक रात्रि
तामसिक रात्रि चाहिए सोच के शिवरात्रि का। यह शिवरात्रि तामसिक रात्रि है जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। तत्रोपवास कुर्वाणी प्रसाद आयाति माधुम न स्नानम न वस्त्रेण न धूपम न चार्या तुष्यामि न तथा पुष्पे यथा तत्रोपवास। ये शक्ति मैं तुम्हें सरल मार्ग बता देता हूं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तामसिक रात्रि अमावस्या से पहले की रात्रि जिसे तामसिक रात्रि कहा गया है उस रात्रि में जो भक्त मुझे भजेगा मैं उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य अवश्य पूर्ण कर देता हूं। न मुझे व्रत चाहिए न मुझे उपवास चाहिए न मुझे पुष्प चाहिए न मुझे धूप चाहिए न मुझे दीपक चाहिए और न ही मुझे षोडशोपचार भोजन चाहिए। जो इस रात्रि को एक जल चढ़ाकर मेरा पूजन कर लेता है अपने मन का अभिषेक कर लेता है एक मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक कर देता है एक पार्क के शिवलिंग का अभिषेक कर सकता है कर देता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूं और उसके पास शक्ति तेरे साथ ही जाता हूं। मैं अकेला कहीं नहीं जाता। शिव आएंगे तो शक्ति अवश्य आएगी और हमारे शिव कहते हैं बड़े वैरागी हैं वैरागी हैं। शिव तो बहुत ही रसेश्वर देव है। अब सांसारिक मर्यादा के अनुसार शिव को पार्वती से विवाह करना था और हिमालय नरेश सम्राट तो क्या करें। तो हिमालय के दरबार में अतिथि आते कार्यक्रम होते रोज राज दरबार लगता और भगवान शिव ने सोचा कि मैं और कोई विद्या से तो प्रसन्न कर नहीं सकता और मुझे आदेश मिला है कथन मिला है ब्रह्मा का कि संसार में गृहस्थ धर्म की आपको शुभारंभ करना है और आपके लिए पार्वती अनुकूल है उसके अलावा और संसार में आपके लिए कोई नहीं है। तो भगवान शिव प्रेम के अभिभूत होकर उस दरबार में जाते हैं एक नर्तक बनकर सुनट नर्तक बनकर अपना पूरा नृत्य दिखाते ऐसा नृत्य जिसे कहा गया है कि ब्रह्मांड में ऐसा नृत्य कभी नहीं हुआ और चकित हिमालय राज प्रसन्न हो जाते हैं। बोले क्या चाहिए तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया है अपने हाल उतार कर देना प्रदान किया। बोला जो तुम्हारी आज मनोकामना है बोलो क्या चाहिए। बोला भोलेपन से बोले मुझे आपकी पुत्री पार्वती का हाथ चाहिए मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूं। प्रेम था ऐसा प्रेम असीम प्रेम कि जिसमें कोई लाग लपेट नहीं कोई दिखावा नहीं और
में गए तो अपने साथ कहा चलो योगिनी शाकिनी दाकिनी भूतिनी भूत प्रेत पिशाच गंगर देवता दानव चलो सब। और वह विवाह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा जाता है, जहां प्रथम बार सांसारिक रूप में गृहस्थ रूप में शिव और शक्ति का मिलन है। और वहां शिव हमारे इतने भोले गए वहां शादी में भोजन कराते हैं दामाद को, भोजन परोसा इतने भूखे खाते गए हिमालय का पूरा भंडार खाली हो गया और शिव भोजन करते रहे। भोले भंडारी आखिर आपका मैं जाना चाहती हूं, जाओ आनंद के साथ जाओ, कहीं कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि उन्हें जगत में और किसी से मतलब था ही नहीं। आप बताओ कि आपको ससुराल में नहीं बुलाया जाए, आप भगत नहीं हो तो आप क्या करोगे? जिंदगी भर के लिए दुश्मनी बांध लो कि मैं ससुराल गया, ससुर ने मेरा अपमान कर दिया, मैं इस दहलीज पर कभी नहीं चढ़ूंगा, मैं तुम्हारी लड़की को नहीं भेजूंगा। क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी सोच है। कहीं कोई घमंड नहीं, कहीं कोई अभिमान नहीं, क्योंकि ये गृहस्थी प्रेम से चले, अभिमान से नहीं। हमारे यहां कहते हैं ना, कोई लड़का यदि खाना नहीं खाता है तो क्या क्या दामाद है क्या जो बार बार हम तेरी गरज करते रहे? शिव ने कहा मेरी कोई गरज की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी अर्धांगिनी शक्ति के साथ सदैव और सदैव प्रसन्न हूं, मैं परित्रप्त हूं, मैं रसेश्वर हूं। हम गृहस्थी में क्या करते हैं, बहुत अपना रसूख कायम रखना चाहते हैं, और जहां रसूख कायम रखना की कोशिश करते हैं वहां रस सूख जाता है। जहां भी हम अपनी इच्छा भावना गृहस्थ के जीवन में एक दूसरे पे इम्पोज करना चाहते हैं, रसूख रखना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं मैं पति हूं, मैं स्वामी हूं, वहां अधिकार का भाव आए, और जहां अधिकार का भाव आता है तो हम और अधिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अधिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रसों कायम करने की कोशिश करते हैं, और हमारा स्वयं का रस सूख। शिव ने कहा शक्ति पूरा भरोसा, गए शिव पार्वती ने उत्तर से लेकर के गणपति बना दी। शिव ने आकर के एक बार भी नहीं पूछा कि ये क्या किया था, पूरा कॉन्फिडेंस। जिस प्रकार से गृहस्थ की श्रेष्ठ जिंदगी एक दूसरे पे विश्वास और श्रद्धा से चलती है, उस श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है शिव और शक्ति का। कहीं कोई खिचकिच है ही नहीं, हां भाई हम तो ऐसे ही रहते हैं, तुम प्रसन्न रहो, और शक्ति की पूरी कोशिश है कि शिव प्रसन्न रहे, दोनों एक दूसरे से एकदम प्रसन्न एक दूसरे से मिले हुए, और कोई संसार से लेना देना नहीं।
एक बहुत सुंदर बात है कि हर माँ क्या चाहती है कि उसका बेटा है ना राम जैसा, क्या हर एक क्या चाहता है कि मेरा बेटा ऐसा एकदम आज्ञाकारी, मर्यादा को मानने वाला, समाज में सब जगह प्रणाम करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला राम जैसा बेटा। ठीक है, बेटा कैसा होना चाहिए? राम जैसा। और हर लड़की सोचती है कि प्रेमी कैसा होना चाहिए? कि कृष्ण जैसा। ये बिल्कुल अठेलिया करे, बांसुरी बजाए, गाने गाए, छेड़खानी करे, हर समय मधुर मधुर तान सुनाता रहे, गीत सुनाता रहे, मोर मुकुट पंख लगाए, नृत्य करे, पर हर स्त्री चाहती है कि पति ऐसा हो, पति हमारे शिव जैसे होने चाहिए, भोले भाले शंभु सीधे साधे होने चाहिए, बस ये गृहस्थी में रमे हुए होने चाहिए, मेरे अलावा और कहीं उनका कहीं ध्यान नहीं जाए, कोई 16,000 की तरफ कृष्ण की तरफ नहीं देखे, ऐसा नहीं कि राम की तरफ करे, पूरी जिंदगी में मर्यादा मर्यादा निभाते निभाते चले, पति तो शिव जैसा होना। और हर पुरुष इस कामना करता है कि पत्नी हो बाग की जैसी, जो उन्हें पाने के लिए चाहे, कितना भी व्रत करना पड़े, कितनी भी तपस्या करनी पड़े, चाहे घनघोर जंगल में रहना पड़े, चाहे गुफा में रहना पड़े, गृहस्थ में हम रहें प्रेम के साथ। तो ये गृहस्थ जीवन का सर्वोच्चतम स्वरूप है, वह है शिव और पार्वती का स्वरूप। और भगवान शिव ने पूरी छूट दे रखी है शक्ति को कि शक्ति जो तेरी इच्छा हो उसके अनुसार मैं रहूंगा। आपकी गृहस्थी ऐसी है कि नहीं है, कि रसूख है, कि एक दूसरे पे हावी रहने की भावना है, क्या है आपके जिंदगी में? जहां हावी रहने की भावना आई नहीं, स्वामित्व का भाव आया नहीं, कोई कहे स्त्री के मैं गृहस्थी की स्वामिनी हूं, कोई पुरुष कहे कि नहीं मैं स्वामी हूं, तो जहां स्वामी का भाव आया वहां खटपट शुरू। दस साल पहले की बात है, एक हमारे साधक की शादी हुई। वास्तव में एकदम सही बात है, उसका नाम था बहादुर से, और शादी हुई, उसका नाम था लड़की का अनुश्री। अनुश्री का अर्थ है अनुसरण करने वाले। तो पाणी ग्रहण दीक्षा ली, फिर कालक्रम में नहीं आ पाए, अलग अलग जगह ट्रांसफर हो गए। 10 साल बाद मैंने बोला और कैसे हो, गृहस्थी की गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही है। बोला गुरु जी आपकी कृपा है, 2 बच्चे भी हो गए हैं। मैंने बोला और कोई तकलीफ तो नहीं है किसी प्रकार का? बोले तकलीफ तो कुछ नहीं है, बस आप मुझे है ना बहादुर सिंह लेकर के नाम से मत बुलाया करें, अब मेरा नाम हो गया है खरबूजा से।
और मैंने कहा तूने अपना नाम चेंज कर लिया है तो पत्नी का नाम भी तूने बदल दिया होगा। बोले हमने पत्नी का नाम पहले अनुश्री था, अब इसका नाम तलवार श्री कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि मैं अब पहले बहुत शादी से पहले मैं समझता था कि मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं ये कर सकता हूं, इसको बचा सकता हूं, और मैंने दृढ़ संकल्प लिया था कि पत्नी का कान उलट करके एकदम कंट्रोल में रखूंगा, एकदम मेरी दासी बना करके रखूंगा। अब आपने तो ऐसा सत्ती बात किया है, कभी हालत हो गई है कि खरबूजा चाहे तलवार पर गिरे या तलवार खरबूजे पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। और हमारे शिव ऐसा नहीं सोचते, वो कहते पार्वती जिसमें तेरी प्रसन्नता है उसमें मेरी प्रसन्नता है, तुझे अप्रसन्न रखकर मैं आनंद से नहीं रह सकता। और वास्तव में जब दक्ष यज्ञ का प्रसंग आया और शक्ति यज्ञ कुंड में कूद गई तो शिव उसे अपने हाथों में उठाकर त्रिभुवन का भ्रमण करने लगे, भले आ गए, वीतरागी बन गए। उसके बाद उन्होंने कई हजार वर्ष तक तपस्या की और उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए पार्वती ने दूसरे रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई, कभी अपर्णा बनकर, कभी उमा बनकर, कभी सती बनकर, कभी पार्वती बनकर। हर कालखंड में शक्ति और शिव का संयोग रहता है। और दोनों के अंदर बहुत सामंजस्य है। दो दोस्त एक बार मिले, बैठे थे, बोले गृहस्थी की गाड़ी कैसी चल रही है? एक ने कहा अच्छी निभ रही है। बोले बहुत प्रेम है? बोले प्रेम का तो मालूम नहीं लेकिन बहुत अच्छे से गाड़ी निभ रही है। बोले क्या सामंजस्य बिठाया, क्या सेटिंग की है जो तुम्हारे गृहस्थी में फिटफिट नहीं है? बोले बहुत सरल बात है, मैं पुरुष हूं तो बड़े बड़े निर्णय जो भी होते हैं वो मैं लेता हूं और स्त्री मेरी अनुगामिनी है, छोटे छोटे जो भी निर्णय होते हैं वो पत्नी लेती है। बोले तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा तुम तो शेर आदमी हो। तो बोले कौन से निर्णय तुम लेते हो, कैसे डिसीजन करते हो? बोले बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, भारत की विदेश नीति क्या रहेगी, उसके बारे में कोई बात करनी है तो वह मेरी बात पत्नी मानती है। राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, क्या व्यापार करना है, ये सब निर्णय, बड़े बड़े जो निर्णय रहते हैं वो मैं लेता हूं। और पति निर्णय क्या लेते, घर में काम वाला कौन रहेगा, ये पत्नी निर्णय लेती है। दूध कितना लाना है, ये पत्नी निर्णय लेती है। खाना कितने बजे खाना है, ये पत्नी निर्णय लेती है। बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में कराना है, ये पत्नी निर्णय लेती है। मुझे किस दोस्त के साथ मिलना है या नहीं मिलना है, ये पत्नी निर्णय लेती है।
बड़े बड़े डिसीजन होते हैं कि आज मोदी ने क्या किया, आज राहुल गांधी ने क्या किया, आज क्या स्थिति बनेगी। जो बड़े बड़े महान महान डिसीजन होते हैं वो मैं लेता हूँ। ये छोटे छोटे डिसीजन हैं, घर में सजावट कैसे होनी चाहिए, इस कमरे में बेड होना चाहिए, क्या करना चाहिए, नए कपड़े कब लाने हैं, क्या करना है, ये सारे। दोस्त ने कहा अरे भैया कभी मिलना आपस में, बहुत बात करेंगे, तेरा जो गम है ना साथ बैठ कर के एक दूसरे के साथ बहुत लंबी लंबी बातें करें। तो क्या चल रहा है आपकी गृहस्थी में, कौन से बड़े निर्णय ले रहे हो, छोटे निर्णय ले रहे हो? निर्णय गृह जीवन के पति की सलाह के बिना लेना ही नहीं चाहिए। और जहां शिव शक्ति के साथ संयुक्त हो जाते हैं, निर्णय की पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं कि शक्ति जो तुम निर्णय करोगी वह मुझे स्वीकार्य है। इसीलिए पुरुष की उपमा देते हुए कहा गया है कि यह शेर आदमी, और शेर पर सवार कौन होता है? शक्ति। शेर पर सवार होने की क्षमता केवल ही केवल शक्ति में ही। और बड़ा ही सामंजस्य है शिव परिवार में, चूहा भी है उसका ध्यान सांप है, सांप का ध्यान चूहे की ओर है, मोर है कार्तिके का पान उसकी उसका ध्यान सांप की ओर है, शेर है उसका ध्यान बैल की तरफ है, बैल का ध्यान बिचारे का शिव की तरफ है, और शिव का ध्यान शक्ति की तरफ है। पूरा सामंजस्य है, विरोधाभास है, उसके बाद भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है, ऐसा प्रेम है कि कहीं कोई झगड़ा ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। ये जाना है मुझे, ये चाहिए, मैं जगत के प्राणियों का कल्याण करना चाहती हूं अवश्य। हमारे शिव भोले जरूर हैं और शक्ति से हीन नहीं है, इसलिए युद्ध में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जय भवानी हर हर महादेव, हर हर महादेव बोला जाता है, क्योंकि वह महादेव शौर्य का भाव प्रदान कर देते हैं, शौर्य प्रदान करने वाले देव। दस भुजाओं में उन्होंने पाश, अंकुश, फरसा, प्रलयाग्नि, त्रिशूल धारण किए। परशुराम ने उनके पिता जगदाग्नि का वध सहस्त्र बहादुर ने कर दिया, तो उन्होंने अपने पिता का मस्तक हाथ में लेकर कहा कि मैं क्षत्रियों को समाप्त कर दूंगा, अत्याचारियों को समाप्त कर दूंगा। और भगवान शिव की साधना की, और भगवान शिव ने उन्हें अपना स्वयं का फरसा प्रदान किया कि आज से यह अस्त्र पशु अस्त्र कहा जाएगा, यह अस्त्र मैं तुझे प्रदान करता हूं, तू इस संसार में धर्म की पुनर्स्थापना कर। इसलिए शिव के बाद भगवान परशुराम को अवतार कहा जाता है कि वे शिव के अवतार। परशुराम की तपस्या तो कर्ण ने भी की, और कर्ण को भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, अस्त्र शस्त्र दिए थे,
और उसने अपने गुरु के साथ छल किया, और छल किया तो गुरु ने कहा कि मैं तुझे इतनी विद्याएं प्रदान की है, लेकिन समय आने पर उस क्षण तेरी सारी विद्याएं तू भूल जाएगी। अर्जुन को भी आशीर्वाद मिला। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यदि धर्म का युद्ध जीतना है तो तुम्हें दिव्यास्त्र चाहिए, पाशुपत्यास्त्र चाहिए, और संसार में पाशुपत्यास्त्र प्रदान करने वाला शिव के अतिरिक्त कोई नहीं। कृष्ण बोला मैं कालखंड में देख रहा हूं, आगे कालचक्र में आगे देख रहा हूं कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत होगा, जिसमें आदि से अधिक सृष्टि समाप्त हो जाएगी। युवा समाप्त हो जाएंगे, युद्ध में पूरा आर्यावर्त रक्त रंजित हो जाएगा। तुम्हें युद्ध करना है और इस युद्ध में विजय होने के लिए तुम्हें पाशुपत्यास्त्र चाहिए। अर्जुन बोला कृष्ण आप मेरे साथ लड़ रहे हो। बोला मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये उपाय बताता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, सखा हूं, कि तुम शिव से वह शौर्य स्वरूप पाशुपत्यास्त्र प्राप्त करो। वह अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, दिव्यास्त्र है, वह तुम्हारे अंदर शौर्य भर देगा और शौर्य से ही युद्ध में जीता जाता है, हाथ जोड़कर जीता नहीं जाता। शौर्य का भाव, शिव हमारे शौर्य के स्वरूप है, भोले हैं, शंकर है, पर वे सदैव और सदैव अपने भक्त को, अपने साधक को शौर्य प्रदान करते, क्योंकि शौर्य के बिना जीवन का कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता है, लड़ा भी नहीं जा सकता। लड़ना है बाधाओं से, लड़ना है बाधाएं हमारे लिए युद्ध का ही स्वरूप है। नित्य आती आती बाधाएं हैं और कई कई बार बाधा विकराल रूप ले लेती है, कर्ज के रूप में, व्याधि के रूप में, शरीर की पीड़ा के रूप में, वेदना के रूप में, जीवन असंभव लगने लगता है कि अब क्या होगा। उस समय भक्ति के साथ साथ, प्रार्थना के साथ साथ शौर्य चाहिए। वह शौर्य जिसमें यह भाव हो कि मुझे युद्ध लड़ना है, जीत होगी या हार होगी उसका विचार नहीं किया जाए। जब जज्बा हो, शौर्य का जज्बा हो, तो बाधाएं आ सकती है, लेकिन पराजय नहीं हो। शिव का शौर्य प्रदान किया, शक्ति का शौर्य प्रदान किया हुआ पराजित नहीं हो सकता। वो प्लानिंग कर सकता है कि मुझे अपनी बाधाओं को किस प्रकार से पार कर सकता। हमारे यहां देहरादून में नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहां पर एक बार प्रशिक्षण के बाद एक परेड होती है और उनका कमांडर उन्हें भाषण प्रदान करता है कि अब तुमने ट्रेनिंग ले ली है, अब तुम रक्षा सेना में
सम्मिलित हो रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो परेड के बाद कमांडर ने कहा कि तुम देश के लिए क्या करोगे। तो 300 के 300 कैडेट ने कहा कि हम देश के लिए मर जाएंगे, हम देश के लिए मर जाएंगे। कमांडर ने एकदम क्रोध में आकर के कहा, देश के लिए यह मत बोलो मर जाएंगे, यह बोलो दुश्मन को मार देंगे, दुश्मन को मार देंगे, दुश्मन को मार देंगे। मर जाने में विशेषता नहीं, मर तो हम रोज रहे हैं, हजारों प्राणी संसार में रोज मर जाते हैं। सृष्टि के क्रम में सबको जाना है, लेकिन कोई शौर्य भाव से जिए ही नहीं और फिर बोले कि मैंने 70 साल की आयु ले ली, 80 साल की आयु ले ली, उस आयु का क्या अर्थ। हम जीवन जो भी जिए, चले गए शंकराचार्य 32-33 साल की उम्र में, लेकिन जो उन्होंने जीवन जिया वो पूरे शौर्य का जीवन था। विवेकानंद ने जो जीवन जिया वो पूरे शौर्य का जीवन था, क्योंकि उनका शौर्य शंकराचार्य का शौर्य तलवार चलाना नहीं था। शंकराचार्य का शौर्य आर्यावर्त में सनातन धर्म को स्थापित करना था, तंत्र को स्थापित करना था, मंत्र को स्थापित करना था। तो शौर्य केवल युद्ध भूमि में ही आवश्यक नहीं है, इस जीवन के संग्राम में निरंतर और निरंतर शौर्य की आवश्यकता है। पाशुपतास्त्र एक भाव है कि मैं अपना जीवन शौर्य के साथ, शक्ति के साथ जीऊंगा। सांस लेना जीवन नहीं, हर कोई सांस ले रहा है, पर शौर्य के साथ कितने जी। जहां जीवन में शौर्य नहीं है वह जीवन कैसा जीवन है, एक क्लीम का जीवन, एक कायर का जीवन है, एक समझौते का जीवन है, एक जीवन को काटना है। शौर्य शक्ति के साथ ही आता है, और शौर्य एक मन का भाव है। वो मन का भाव ऊर्ध्व गति की ओर जब बुद्धि की ओर जाता है, तब वह शौर्य आपके कार्यों में प्रकटित होता है, क्योंकि बुद्धि हमेशा समझौता करना चाहती है। बुद्धि बहुत ही बढ़िया है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, हरेक को नमस्ते, हरेक जगह दंडवत हो गई। शौर्य है वो बुद्धि को चैतन्य करता है, वो बुद्धि के पास जाता है और कहता है ये बुद्धि तू और तीक्ष्ण हो जा, और तीव्र हो जा, तेरे साथ शौर्य है, तेरे साथ पाशुपतास्त्र यदि जुड़ जाता है तो तू अपने जीवन के सारे संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते। काम बुद्धि से ही होगा, लेकिन उस बुद्धि को ताकत कहां से मिलेगी, क्योंकि बुद्धि सॉफ्ट से सॉफ्ट, सरल से सरल मार्ग देखती। बुद्धि सोचती बस कैसे ही काम चल जाए, अपना काम होना चाहिए, लेकिन शौर्य कहता है यह जीवन शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है। इस जीवन को जीना है तो शौर्य के भाव से जीना है। हमारे सद्गुरु लिखित जैसे 64 साल की आयु ही प्राप्त की, लेकिन जीवन का एक एक क्षण पूरे शौर्य के साथ
जिया। चाहे हजारों किलोमीटर की उन्हें यात्रा करनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी, विद्याएं प्राप्त की, 10 गुरुओं को देखा, समझाया, अपनाया, जहां ज्ञान प्राप्त होता है वहां से ज्ञान लिया, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे वह शंकराचार्य की परंपरा में मंत्र तंत्र यंत्र को स्थापित करना है। तो उन्होंने अपने जीवन में वह कार्य संपन्न किया। चाहे उन्होंने अपने जीवन में 1000 शिष्य ही बनाए हों, लेकिन वो 1000 शिष्य इतने तीव्र बनाए कि उन 1000ों के कारण से आज लाखों 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 शिष्य बने। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, ओ महाराज। शौर्य का केवल लड़ना नहीं, आज आप पशुपति आश्रम की दीक्षा प्रदान की और कल जाकर के पड़ोस के घर गए कि बहुत 5 साल हो गए तो मुझे तंग कर रहा है और जाकर के उसे पीटने लग जाओ, ऐसा करना ना। थोड़ा बुद्धि को भी काम में लेना। क्या हुआ कि आपके उड़ीसा के गांवों में भी कुश्ती वगैरह का कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है? हमारे उधर यूपी बिहार राजस्थान में बहुत कुश्ती के कार्यक्रम होते हैं, हर गांव में अखाड़े बने हुए होते हैं। तो एक गांव में कुश्ती प्रतियोगिता, क्या थी? कुश्ती प्रतियोगिता। और एक पहलवान बहुत ही बलशाली था, उसने कहा सब पहलवानों को हराता हुआ वह जीतता जा रहा था, बोला कोई मुझे चैलेंज करो, कोई मुझे चैलेंज करो, मुझसे कोई जीत नहीं सकता है। तो एक बदला दुबला ठीक क्या पहलवान जिसे कह सकते हैं, वो निकल पहन करके आया, मैं लड़ूंगा। बोला कैसे पॉसिबल है, इतना मोटा ताजा सामने है, कोई इसे लड़ेगा? बोला कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा, आज गांव की इज्जत का सवाल है, मैं लड़ूंगा। अब दोनों पहलवानों में मन युद्ध हुआ। पुरस्कार था कि जीतने वाले को 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे और पट्टा प्रदान किया जाएगा। अब साहब उसने दोनों पहलवानों में मल युद्ध शुरू हुआ, उसने धोबी पछाड़ दाव लगाया, उसने जांगिया दाव लगाया, उसने टंगड़ी दाव लगाया, बहुत देर ऐसा चलता रहा। वो कुश्ती में एकदम गुत्थम गुत्था होते हैं, तो उस मल युद्ध के बीच में पतले दुबले पहलवान ने वो मोटे काटे को कहा कि वो हार जाएगा ना, तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। फिर कुश्ती वापस चालू हुई। मोटे दर्जी पहलवान ने सोचा, सोचने लगा, कुश्ती लड़ता जा रहा था, सोचता जा रहा था, और हमारा सीखिया पहलवान लेकर के किनारे किनारे से इधर से उधर फूंक के, इधर से उधर फूंक के, कभी थोड़ी सी टांग आगे बढ़ा दे, फिर बार बार इशारा करके फिर इधर कूद करके वो इधर मुड़े। उसने भी पूछा सही 100%? हाँ। और फिर आखिर मोटे पहलवान ने सोचा कि जीत गई तो 500 रुपये मिले, हार गई तो 10,000। हार जाते क्या फर्क पड़ता है, 10,000 रुपये मिल जाए।
और सीके पहलवान ने एकदम खाकर इंटेंस आम से इशारा हुआ, इंटेंस कुश्ती लड़ने का करते हैं और एक डंडी मारी और ऐसा दाव खेला कि वो मोटा पहलवान जैसे धराम से गिर गया, वो हो वाह वाही हो गई, वाह वाही हो गई, कुश्ती समाप्त। घर जाने लगे, उसने कहा भाई मेरे 10,000 रुपए थे, तूने कहा था। बोले कौन से 10,000? 10,000 कौन से 10,000? मैं कुश्ती जीता हूं। बोले तुझे मेरे को बीच में कहा था ना कि हार गया तो मैं 10,000 तुम्हें दूंगा। अरे बोले तूने 3-4 दाम लगाए, मैंने भी एक, वो तो मेरे एक दाम था कि मैंने कहा कि देखो 10,000 दे देंगे। तो जीवन में हर समय ऐसा नहीं है कि आपको लड़ना ही पड़े, जहां सुई से काम चल सकता है वहां तलवार का यूज मत करना। गुरु के पास सानिध्य में आने से एक ही बात होती है, ये जो आपकी मोटी बुद्धि है ना वो महीन हो जाए। गुरु कहां स्पर्श करते आपको आज्ञा चक्र, यहां आज्ञा चक्र में क्या है कि आपने बहुत बहुत कुछ भर रखा है। गुरु आकर उस आज्ञा चक्र में आपकी बुद्धि को महीन कर देते, शार्प कर देते, ऐसा शार्प कर देते हैं कि आप बाधाओं को समझ पाते हैं, उनका विश्लेषण कर पाते हैं और किस समय क्या कार्य करना है। वह ज्ञान आपको आ जाता है। नॉलेज तो आपको बहुत है, किताबें तो बहुत पढ़ ली है, पर गुरु उस ज्ञान को समझ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि आपके जीवन में 5 तत्व चाहिए, आपके जीवन में मिठास चाहिए, आपके जीवन में स्निग्धता चाहिए, आपके जीवन में रस चाहिए, आपके जीवन में माधुरी चाहिए, आपके जीवन में तरलता चाहिए। ये शुद्धता, ये तरलता, ये स्निग्धता, ये मिठास, ये माधुर्य तब प्राप्त होता है जब हम हमारे मन में बसे शिव का अभिषेक करते, उसे रूखा सूखा नहीं रहने। ज्यादातर हम बाहर की ओर ज्यादा देखते हैं और अपने मन को रूखा होने देते हैं, रूखा होने देते हैं, जितने प्रहार हुए हैं इस मन पर झेलते रहते हैं और मन रूखा सूखा हो जाता है, आपका शिव वैराग्य होने लगता है। तब गुरु आपके जीवन में आकर आनंद से अमृत अभिषेक करते हैं, जिससे आप अपने जीवन के विष को हटा सके और उसमें मिठास, सुगंध, स्निग्धता, तरलता और शुद्धता, इन 5 तत्वों से अर्थात घी, दूध, दही, शर्करा और शहद, इन 5 तत्वों से तो आप अभिषेक, जल से अभिषेक करते हैं। उसका तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में मिठास रहे, हमारे जीवन में स्निग्धता रहे, हमारे जीवन में शुचिता अर्थात शुद्धता रहे। और ये 5 तत्व कहे गए हैं जिनसे विष समाप्त होता है। कैसा भी जहर व्याप्त हो जाता है तो दूध पिलाया जाता है, घी पिलाया जाता है, बीमार हो जाते तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि शरीर में शक्कर की कमी हो गई है, इसको ताकत का ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ाते हैं। और मैं कहता हूं आपको ग्लूकोज रोज चाहिए, आपको घी रोज चाहिए, आपको दूध रोज चाहिए, आपको दही रोज चाहिए, आपको जल रोज चाहिए। आप अपने मन का नित्य नित्य अभिषेक करते रहे। अरे जब मन में आर्द्रता होगी, सरसता होगी,
तब आप वह शक्ति को धारण कर सकते हैं, वह पाशुपति अस्त्र आपके जीवन में स्थापित हो सकता है, शौर्य भाव स्थापित हो सकता है। सूखे जीवन में कुछ आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और हमारी सारी यात्रा जीवन की यात्रा है कि हमें आनंद मिले, और तो कोई आपको चाहिए नहीं। जीवन के अंत में आप क्या लेकर के जाते हैं, पूरे जीवन में आप कहते मैंने अपने जीवन में यह आनंद प्राप्त किया। उस आनंद की वैल्यू धन से की नहीं जा सकती है, प्लॉट से की नहीं जा सकती है, मकान से की नहीं जा सकती है, और किसी से निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त नहीं की जा सकती। उस आनंद का अनुभव मेरे जीवन में संतान, मेरे जीवन में मित्र, मेरे जीवन में सखा, मेरे जीवन में गृहस्थी में प्रेम, यही तो आनंद की परिभाषा है। आपके लिए आनंद की परिभाषा क्या है? मेरे जीवन में तो मैं तो आपको आज गुरु पद पर व्यासपीठ पर बैठकर यही कहता हूं कि जीवन में आनंद की यही परिभाषा है कि हमारा जीवन शुद्ध हो, शुचिता से पूर्ण हो, इसमें मिठास हो, इसमें स्निग्धता हो, पवित्रता हो और माधुरी हो। मिठास कि हम कहीं जाए हम लोगों को देखकर प्रसन्न हो, लोग हमें देखकर प्रसन्न हो। जब आपके अंतर मन में इस प्रकार का माधुरी का भाव होता है तो आपके मन की किरणें अपने आप बहती, आपको कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं मिठास से भरा हुआ हूं, प्रेम से भरा हुआ हूं। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति शिष्य साधक होता है, भक्त होता है। उसके जीवन में प्रेम भाव अपने आप आ जाता है, उसके जीवन में घृणा विद्वेष सब समाप्त हो जाता है। वो कभी तनाई में रहता ही नहीं क्योंकि वह समय शक्ति के साथ संयुक्त रहता है। तो आज का ये अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक, इसलिए है कि हमारे जीवन में प्रेम हो, हमारे जीवन में शौर्य। शिव का एक भजन है, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसको चार्ज पे लगा दे। मैं बोल चार्ज। हे त्रिपुरारी मायाधारी लीलाधारी, आओ महाकाल महादेव प्रभु महाकालेश्वर बन जाओ। हाथ में डमरू डमडम बाजे, मृदंग नाद सुनाओ, गहरी नींद में सोए भक्तों को प्रभु आज जगाओ। अंग भभूत लगाकर प्रभु तुम भूतेश्वर कहलाते, पीकर भांग के मस्त प्याले महादेव बन जाते। बम 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 मंत्र उचारो महाकाल बन जाओ, नारायण बन इस दुनिया में ज्ञान की ज्योत जलाओ। मंत्र ध्वनि की गूंज उठाते तंत्रेश्वर कहलाते, नारायण बन इस दुनिया में जीवन को महकाते। निखिलेश्वर बन सन्यासी जीवन को राह दिखाते, माया के स्वामी बनकर हम भक्तों को तुम महकाते। भूत प्रेत और मनुष्य देवता आपके हैं गुण गाते, आपको नजरों में बिठाकर सभी तृप्त हो जाते। सर्पों का गले हार लगा गले हार बनाए, विष पीकर मुस्काते, आदि अनादि तुम ही हो भगवान शंकर तुम ही कहलाते। हे अभियंकर तुम हो भयंकर, शंकर तुम ही कहलाते, ब्रह्म तुम ही पर ब्रह्म तुम ही, तुम नारायण बन जाते। हे प्रलयंकर हे गंगाधर, शशि शेखर कहलाते, तुम डमरूधर तुम बंसीधर, तुम निखिलेश्वर बन जाते, तुम निखिलेश्वर बन जाते।